हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर आप ये दो कॉइल्स के बीच में हो और आप यहाँ पर हो, मतलब यहाँ पे आप खड़े हुए हो, तो आपको लगेगा कि इस वाली कॉइल में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और आप जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा इसमें जो करंट है क्लॉकवाइज है, और दोनों में करंट सेम है, मतलब करंट आई है, और बट एक्चुअली क्या है कि आपको बताना है कि मिड पॉइंट जो सेंटर है दोनों का, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। यहाँ पे एक चीज़ ये रखी है कि इनका रेडियस आर है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, और दोनों में जो सेपरेशन है वो 2R है, और ये जो इंसान है ये मिड पॉइंट पे खड़ा है। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि ये रेडियस और ये रेडियस के टर्म्स में ही दे रखा है, मतलब ये रेडियस के टर्म्स में ही दे रखा है, और अगर आप ये मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा डिस्टेंस। तो अभी हमें बताना है कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले हमें वेक्टोरिकली देखना होगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी। तो अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, देखो अगर क्लॉकवाइज करंट है तो ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसा होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट के हिसाब से आप ये डायरेक्शन लोगे तो डायरेक्शन इस साइड आएगा, तो इस एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो B1 होगी, वो इधर होगी, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो राइट साइड होगी, जैसे B1। और इसमें क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे, तो इसकी वजह से आप राइट हैंड रूल लगाओ डायरेक्शन निकालने के लिए, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उसी साइड आएगी, राइट साइड आएगी, तो जो B2 होगा वो भी उसी साइड होगा। और एक्चुअल में क्या होगा कि B1 और B2 बराबर होंगे, B1 और B2 बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, सब आइडेंटिकल है, B के बराबर होंगे। तो मैं इसको यहाँ B लिख देता हूँ, तो अगर आप यहाँ देखो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पर 2B, अगर आप दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 2B आ जाएगा। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकालनी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, फ़र्क ये है यहाँ ये जो एक्स डिस्टेंस है ये आर के बराबर है, यहाँ पर, ठीक है, आप एक्स की जगह आर पुट कर दो, तो इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2R² एक्स की जगह आर पुट कर दो, क्या हो जाएगा, R² की पावर 3/2, और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर हो जाएगा 2R² की पावर 3/2। तो अब आप इसे सॉल्व करना, तो पहले आप 2R² को अगर आप सॉल्व करोगे, मतलब जैसे यहाँ पे 2R² की पावर 3/2 इसे सॉल्व करोगे, तो पहले इसे ऐसे लिख दो 1/2 × 3, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, √2R, फिर पावर 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2R³। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 × 2√2R³, ये कट जाएगा, नीचे आर आ जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक की वजह से फील्ड है, तो एक की वजह से, सॉरी नेट मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि नेट अभी नहीं निकाल रहे, ये तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड है, तो एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड है एक की वजह से वो आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4√2R, इस तरीके से एक की वजह से एक्सियल पॉइंट पे फील्ड आ जाएगी। अब एक की वजह से आ गई तो हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना नेट के लिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × μ0I/4√2R आ जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो आएगी μ0I/2√2R, इस तरीके से हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है।